गए थे। रिपोर्टर दीपा हेगड़े ने आनंद से क्या सवाल पूछा। नमस्कार दोस्तों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत पॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आनंद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनके पियो ने KGF3 की कॉपी ले जाकर दे दी है रिपोर्टर दीपा हेगड़े को। अब जब आनंद एंटर करते हैं अपनी लाइब्रेरी में तो वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे रिपोर्टर्स और काफी सारे लोग हैं जो आनंद से सवाल करने के लिए रेडी बैठे हैं। तभी दीपा हेगड़े उन्हें KGF3 की कॉपी देकर पूछती हैं कि जब रॉकी मर चुका है और जब पूरा KGF तबाह हो चुका है तो अब ये KGF चैप्टर 3 किस बारे में है। तो उसका जवाब देते हुए आनंद कहते हैं, इतिहास दोहराना और इतिहास को कायम करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रॉकी जब इतना सारा सोना लेकर शिप पर था तो उस पर अटैक कर दिया गया था इंडियन नेवी ने, और उन्होंने ये बताया कि जब अटैक करा उसके बाद रॉकी और उस शिप का या रॉकी और उस सोने का किसी को पता नहीं चला। अंदाजे के हिसाब से तो वो सोना और रॉकी की शिप पूरी 20,000 फीट नीचे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज तक वो किसी को नहीं मिला। यही बीच में दीपा हेगड़े उन्हें रोक देती हैं और पूछती हैं कि KGF चैप्टर 3 एक्चुअली किसके बारे में है। तब वो बताते हैं कि ये KGF चैप्टर 3 है उन 3 सालों के बारे में, 1978 से लेकर 1981 तक, जब रॉकी का एक अलग रुतबा हुआ करता था। रॉकी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो पूरी दुनिया का गोल्ड अपने पास लेकर आ जाएगा, और इसी वजह से रॉकी उस टाइम फॉरेन कंट्रीज में अपना राज फैलाने के लिए तैयार बैठा था। रॉकी को पता चला कि इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, और उसने ये ठान लिया कि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ डील करके इस माइन को अपने हाथ में ले लेगा। इंडोनेशियन गवर्नमेंट से मिलने के लिए रॉकी अपने साथ 2 लोगों को लेकर गया था। इस मीटिंग के बारे में और किसी को भी नहीं पता था, लेजिट किसी को भी नहीं पता था, और रॉकी अपने साथ 2 लोगों को लेकर गया था। पहले तो थे आनंद खुद और दूसरा इंसान, आनंद ने कहा वो बहुत जल्द बताएंगे। आपको बता दें कि जब वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने गए तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से जब वो मिले तो उन्हें ये पता चला कि जो गोल्ड माइन है उसका 40% शेयर ही इंडोनेशियन गवर्नमेंट के पास है और 60% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी के पास है। तब रॉकी ने ये सोच लिया था कि वो प्राइवेट कंपनी के ओनर से मिलने जाएगा, और उसके बाद रॉकी ओनर से मिलने भी जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी तो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये स्टोरी और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।